हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। तो मैं डाल रही हूँ इसमें, देखिए वाइट कलर का पानी, ये मैंने अभी डाला तो ये जम गया, तो ये मैंने लिया है आधा केजी मिल्क और इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी। इसमें बॉयल होने पे मैं क्या डालती हूँ आइसक्रीम जमाने के लिए, तो आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो में। और प्लीज़ चैनल पे नए आए हूँ, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो गैस की फ्लेम पर दूध देखिए गर्म हो गया हल्का सा, तो हल्का सा ही मुझे गर्म करना था। अब मैं इसमें डालूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो आइसक्रीम जमाने के लिए ये पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी, इसमें ये डालूँगी मैं वनीला पाउडर, तो ये 2 चम्मच में डालूँगी और इसको चला दूँगी मैं ताकि इसमें लंग्स ना बन जाए, चलने की बात है। तो इसको बराबर चलाते रहना है। वैसे मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है स्लो। तो ये कई फ्लेवर में आता है, ये ऑरेंज फ्लेवर का है हमारा, मैंने मंगाया हुआ था। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और अब मैं एक हाथ से कैमरे को पकड़े हूँ तो इसलिए मेरी दिक्कत आ रही है चलाने में मुझे। तो मैं आप लोगों को जब इसको मैं चला के बराबर इसको जब गाढ़ा हो जाएगा ना, जब भी मैं इसको उतारूँगी गैस से, तो इसको बराबर ऐसे ही चलाते रहना है। फिर मैं देखते हैं आपको बताते हैं, आप लोग देखते रहिएगा और मैं बताऊंगी आपको कैसे मैं बनाती हूँ आइसक्रीम। गर्मियों का मौसम है, बच्चे आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, तो चलिए देखते रहिएगा आप लोग। और ये देखिए मैं गैस का फ्लेम है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और स्लो भी नहीं है। और इधर डालूँगी मैं इसमें चीनी मीठा करने के लिए, तो स्वाद अनुसार अपने डाल सकते हैं इसमें चीनी। मैं गैस का फ्लेम करती हूँ तेज का, तो इसको बराबर चलाते रहना है ताकि इसमें लंच ना पड़ जाए, गांठें ना पड़ जाए। जब इसको गाढ़ा करना है, आप लोग बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइएगा। और बाजार जैसी बिल्कुल आइसक्रीम बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिएगा। थोड़ी सी मेहनत है, बाकी बहुत अच्छी है, बनती है। तो चलिए आप लोग हमारी वीडियो में देखते रहिएगा हमारी आइसक्रीम मैं कैसे बनाता हूँ। ये देखिए रबड़ी की तरह बनकर तैयार हो गई है हमारे आइसक्रीम का मिल्क, ये देखिएगा। अब मैं इसको ठंडा करूँगी थोड़ी देर के लिए और ठंडा करने के बाद मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोग देखते रहिए। और इधर मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट है वो कट कर लिए हैं, इसे मैं इलायची भी डाल दी हुई है। और इधर मैंने ये क्रीम ली हुई है थोड़ी सी, यानी कि मलाई आपके घर में हो दूध की नहीं, आप बाजार से क्रीम मंगा लीजिएगा। और ये क्रीम मैंने थोड़ी सी निकाल रखी है, अपने घर का ही दूध है तो उसी से मैंने निकाली हुई है, तो ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी। और हमारी वीडियो में बने रहिए आप लोग। और ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है मिल्क, तो अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने क्रीम निकाली हुई थी मलाई, तो मैं अब इसमें मिक्सर जा रहा है उसमें मैं ऐड कर दूंगी इसको। इसमें अब जो इसमें लंग्स आए नहीं, गांठें हल्की फुल्की होंगी, तो मैं इससे मिक्सी में चला दूंगी, तो उससे मतलब सब अच्छा आ जाएगा और देखने में भी एकदम सॉफ्ट ही आइसक्रीम जमेगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए अब मैं इसका ढक्कन बंद करती हूँ और मैं इसको चलाती हूँ। ये देखिए ग्राइंड कर लिया मैंने क्रीम डालकर, अब इसका ये इतना टेक्सचर हो गया इसका पतला, तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ
ड्राई फ्रूट और ये इलायची पाउडर इसमें, तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको दो बार ग्राइंड कर सकते हैं। आप इसको दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, फ्रिज में, और इसके बाद आप निकाल के फिर दोबारा से इसको मिक्सी में ग्राइंड करके फिर से दोबारा जमा सकते हैं। लेकिन मैं बस एक ही बाहर कर रही हूँ, तो बस मैं अब रखती हूँ किसी में बंद करके डिब्बे में, और इसको मैं जमा के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने इस डिब्बे में रख दी हुई है जमाने के लिए, और मैं इसमें फाइल पेपर लगा दूंगी, तो ये फाइल पेपर से कवर कर दूंगी इसको अच्छी तरह से। तो ये देखिए गाइस, अब मैंने इसको अच्छी तरह से फाइल पेपर से कवर कर दिया हुआ। फाइल पेपर वही है जो रोटियां हम या सब्जी खाना, मतलब जो भी है गरम गरम इसी में पैक करते हैं, वही पेपर हो, या आपके पास कोई पॉलीथीन हो वाइट कलर की तो पन्नी हो तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, 6 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी। यानी कि आपको शाम को जमाना है और मॉर्निंग में ही सुबह निकालना है। तो चलिए अब ये इवनिंग का समय है, तो मैं अब रखती हूँ और सुबह आपको दिखाऊंगी कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी हुई है। तो चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है, और ये मैं मॉर्निंग में निकाल नहीं पाई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी आइसक्रीम रखी हुई है जमी हुई। तो ये अब इवनिंग का समय है और मैं अब खाने जा रही हूँ। तो खाना खाने के बाद ही आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देने, और इसमें से निकालूंगी और खाऊंगी। इसके लिए मैंने चम्मच भी तैयार कर ली हुई है। तो अब मैं इसको पहले पानी में रखूँगी थोड़ी देर, इसके बाद मैं निकालूंगी, पीस करूँगी इसके। तो ये देखिए बहुत अच्छी तैयार हुई है, बहुत अच्छी जमी हुई है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए जमाइएगा, गर्मियों में कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, और घर पर बनी हुई आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए कुछ मैं नई नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और किसी दिन आपको और भी बनाना सिखाऊँगी मैं आइसक्रीम। तो चलिए हमारी वीडियो में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए मैंने निकाल ली हुई है आइसक्रीम डिब्बे से, तो अब मैं इसको कट करूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है, तो इसके मैं पीस करूँगी। और ये देखिए ये पीस हो गए हैं, और इतने अच्छे लग रहे हैं देख के, और इनको आप खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं, आप ऐसे लगा के भी इसको खा सकते हैं, तो ये बड़ा पीस है, उठ नहीं रहा इसमें से। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है आइसक्रीम, है ना। आप लोग देखिए बनाइए, आप लोग भी खाइए हमारे साथ, और गर्मी में मज़ा लीजिए आइसक्रीम का। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।